तो नियामक ज्यामिति आज हम लोग को पढ़ना है। नियामक ज्यामिति का प्रयोग कहाँ है, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग नियामक ज्यामिति का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति, नियामक ज्यामिति के बारे में कि नियामक ज्यामिति का उपयोग कैसे किया जाता है। नियामक ज्यामिति किसी समतल में स्थित किसी भी बिंदु को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग, नियामक ज्यामिति का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी समतल में स्थित एक किसी भी बिंदु को, किसी समतल में स्थित किसी भी बिंदु को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नियामक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है ना। तो नियामक ज्यामिति के बारे में आप लोग पढ़े हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे किसी समतल को दो रेखाएं एक दूसरे को अगर लंबवत काटती हो, दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हो तो वह समतल चार भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों बढ़ेगा, चार भागों में। जैसे सपोज कि एक समतल पृष्ठ है, इस समतल को दो रेखाखंड द्वारा हम दो रेखाखंड यानी दो लंबवत रेखाखंड द्वारा इसको विभाजित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये हो गया, एक हो गया ये और एक हो गया ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो सरल रेखाखंड द्वारा इसको लंबवत अगर विभाजित किया जाता है तो चार भागों में ये बढ़ जाता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि चारों भाग बराबर है, लेकिन यह तो कह सकते हैं कि यह चार भागों में बटा हुआ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चारों भाग आपस में बराबर ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को लंबवत विभाजित करती हैं, लंबवत काटती है, तो ये चार भागों में बट जाएगा। कितने भागों बटेगा, चार भागों में। तो देखिए सबसे पहले इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को यानी समतल के जो क्षैतिज रेखा स्थित होता है उस रेखा को हम लोग भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज को हम लोग एक्स एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस, है ना। एक्सिस का मतलब अक्ष होता है, क्या होता है, नहीं एक्स अक्ष है क्या ये। और अगर इसको हिंदी में बात करें हम तो इसको भुज कहा जाता है। क्या बोल जाता है, भुज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत खड़ा, क्षैतिज मतलब क्या उसके समांतर हो, और ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत खड़ा हो। जो लंबवत खड़ा होता है उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और जो समांतर होता है उसको क्षैतिज कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में यहाँ पर होता है वाई एक्सिस। क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को तो हम लोग भुज कह दिए, तो वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, तो वाई एक्सिस को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, कोटि बोलेंगे। क्लियर है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को भुज, वाई एक्सिस को कोटि कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब जिस बिंदु पर ये दोनों लंबवत मिलते हैं, जिस बिंदु पर ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एक दूसरे को लंबवत मिलते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन पॉइंट। यानी इसको ओ से सूचित किया जाता है, मूल बिंदु को। कोई पूछ रहा है मूल बिंदु को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो हम बोलेंगे ओ से। किस से, ओ से। तो यहाँ पर ओ लिख दिया जाता है। देखिए ओ जो है दो काम करता है ना। हम लोग जीरो ओ में ज़्यादा फर्क नहीं दिखा पाते हैं, हालांकि ओ तो ऐसा होना चाहिए जीरो इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन लिखने के क्रम में हम लोग ओ और जीरो दोनों एक जैसा ही लिख देते हैं, लिखते हैं ना। तो यहाँ पर बताएंगे हम कि यहाँ पर निशान क्या होता है। पहले आगे देख लीजिए, जिस बिंदु पर वो मिला उस बिंदु क्या बोलेंगे,
मूल्य बिंदु, ये हो गया भुज, और ये हो गया कोटि। हो गया अच्छा, कोटि दिखाई नहीं दे रहा बढ़िया से। हो गया कोटि, भुज और मूल्य। अब देखिए यहाँ पर जब ये दोनों चार भागों में बटे तो इसको बोलते हैं प्रथम पाद, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम पाद, ठीक है। इसको बोला था सेकेंड पाद, सेकेंड कोऑर्डिनेट है ना, या द्वितीय पाद। इसको तृतीय पाद बोलते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको बोलता है चतुर्थ पाद, फोर्थ कोऑर्डिनेट, याद रहेगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए आप कि मूल बिंदु के दाहिने तरफ मापी गई सभी दूरियां घनात्मक होती है, यानी मूल बिंदु से दाएं तरफ जाते रहेंगे हम तो वो घनात्मक होगा। क्या होगा? यानी इधर सब प्लस की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? और इसके विपरीत यानी बाईं तरफ हम जाते हैं तो वह ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर है? नो डाउट। अब मूल बिंदु से ऊपर की ओर अगर हम जाते हैं, मूल बिंदु से ऊपर की ओर हम जाते हैं तो वह भी घनात्मक ही होता है। क्या होता है? ऊपर की ओर जाना क्या धनात्मक, और जब नीचे की ओर हम आते हैं तो होता है ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं? ये समझ में आ गया? दाहिने तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इतना याद रहेगा ना। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन कौन से नंबर होंगे? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखा जाता है एक्स एक्सिस का। अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो पहले लिखा गया एक्स एक्सिस का और तब लिखाता है वाई एक्सिस का। ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस कोऑर्डिनेट में कौन सा नंबर आने वाला है, तो जो दोनों ही प्लस होंगे, जो दोनों नंबर प्लस होंगे, दोनों नंबर क्या होंगे, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नंबर होगा। किस कोऑर्डिनेट का होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि पहले एक्स तब वाई, तो एक्स भी प्लस में है और वाई भी क्या है। ये जो आप प्रथम पाद देख रहे हैं ये दोनों का मिलने से ना बना हुआ बाबू, तो पहले लिख रहा है एक्स वाला, सॉरी यहाँ एक्स खाली होगा ना, पहले लिखाएगा एक्स वाला तब लिखाएगा, तो एक्स भी आपका प्लस में है और वाई भी प्लस में है, तो इसमें जो भी नंबर आएगा वो प्लस प्लस वाला ही रहेगा, ठीक है। दूसरा चले आते हैं अब द्वितीय पाद में, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में चले आते हैं हम, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में पहले लिखना है एक्स, तो एक्स क्या चीज़ में दिया हुआ है यहाँ पे? माइनस में दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस और उसके बाद वाई, चूँकि ये दोनों का मिलने से ये वाला बना है, तो वाई वाला कौन चीज़ में है बाबू? प्लस में, तो इसको माइनस प्लस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी पहला संख्या माइनस में होगा, उसके बाद वाला जो संख्या होगा दूसरा संख्या वो क्या चीज़ में होगा? तो ये द्वितीय पाद का होगा। किस पाद का होगा? ये क्लियर है? उसके बाद चले जाते हैं थर्ड पाद में, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट तृतीय पाद में। सर द्वितीय पाद सही लिखा है ना? चलिए ठीक है, अगर मिस्टेक होगा तो सुधार लीजिए आप लोग। तृतीय पाद देखिए, तृतीय पाद में आपका एक्स भी माइनस में है और वाई भी क्या में? माइनस में है, तो इसको माइनस माइनस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं हम लोग चतुर्थ पाद, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो चतुर्थ पाद में चलते हैं तो चतुर्थ पाद में एक्स प्लस में है
और वाई क्या में है, माइनस में है, तो इसको प्लस माइनस कहा जाता है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही। अब इसमें बहुत से पॉइंट है, उसको हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो ये हो गया प्रथम पद प्लस प्लस, द्वितीय पद माइनस प्लस, तृतीय पद माइनस माइनस, चतुर्थ पद प्लस माइनस होता है, क्लियर यहाँ पे। और हम बताएं कि ये एक दूसरे के सभी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री कोण बनते हैं दोनों के बीच में, कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पर निर्देशांक की बात करें तो मूल बिंदु जो होता है जहाँ पर दोनों आपस में मिलते हैं वहाँ जीरो से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस आपस में मिल जाते हैं वहाँ से नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। और इसमें जितना भी हम दूरी मापेंगे, जो भी नंबर हम लोग मापना शुरू करेंगे, सभी दूरियों को हम लोग जीरो से ही मापना शुरू करते हैं, यानी मूल बिंदु से ही मापने के लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दूरी हम कहीं से माप लेंगे, हम जो भी दूरी हम मापेंगे सभी दूरियाँ कहाँ से मापेंगे, मूल बिंदु से मापेंगे। और मूल बिंदु जीरो से स्टार्ट होता है, एक मिनट, कहाँ से स्टार्ट होता है, मूल बिंदु जीरो से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मूल बिंदु का अगर कोई निर्देशांक पूछ देता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं, जो कि इस प्रकार के होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो होता है, क्या चीज होता है, जीरो जीरो। देखिए ओ और जीरो में जरा सा का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ओ आपका गोल होता है और जीरो अंडाकार होता है, ये दोनों में सिर्फ इतना ही का फर्क है। तो जनरली लोग इसको जीरो जीरो कहा जाता है, क्या देते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको जीरो ही बोलते हैं कि जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो एक दो तीन चार पाँच, 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 ठीक है। अगर एक तरफ आप जितना डिस्टेंस ले रहे हैं एक एक को दिखाने के लिए, मान लिया जाए कि यहाँ पर जीरो है, यहाँ एक दिखाने के लिए जितना डिस्टेंस इधर ले रहे हैं उतना ही डिस्टेंस अब इधर भी लेना होगा, उतना ही डिस्टेंस ऊपर भी लिखना लेना होगा, और उतना ही डिस्टेंस नीचे भी लेना होगा। हाँ, यहाँ डिस्टेंस लेने की दूरी, डिस्टेंस लेने की जो प्रक्रिया है वो कोई निश्चित नहीं है, आप इतना बड़ा को भी एक ले सकते हैं, इतना छोटा को भी एक ले सकते हैं, इतना बड़ा को भी एक ले सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पर निश्चित करेगी कि जितना आपको लेना है लंबा चौड़ा एक यूनिट को दिखाने के लिए, उतना ही लंबाई को फिर चारों तरफ दिखाना हो, ये बात कांस्टेंट है, और ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक दिखाने के लिए यहाँ एक दिखा दें, यहाँ पर ऐसे चार दिखा देंगे, ये गलत हो जाएगा। आप इतना बड़ा कोई एक यूनिट दिखाए उससे मतलब नहीं रखता है, मतलब ये रहता है कि जब आप इतना बड़ा के एक यूनिट लिए हैं तो इस तरह भी इतना बड़ा देना है, इस तरह भी इतना बड़ा देना है, इस तरह भी इतना ही बड़ा देना है, इस तरह भी इतना ही बड़ा देना है, ये बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इतना बड़ा ले लिए एक यूनिट हुआ, या आपका एक यूनिट यहाँ हो गया, एक यूनिट यहाँ हो गया, एक यूनिट यहाँ हो गया, ऐसा नहीं होगा। जितना लेंथ आप लेना चाहते हैं एक बार ले लीजिए और उस लेंथ के हिसाब से फिर काटते रहिए चारों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप कम बेसी करते हैं तो आपका जो यहाँ पर गणना कीजिएगा मान, जो मान ज्ञात कीजिएगा वो गलत साबित हो जाएगा, वैल्यू सही से नहीं निकल पाएगा, ठीक है, वो सही से वैल्यू ज्ञात नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से शुरू करें, इधर से प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस एक दो तीन चार पाँच, इधर भी जाएंगे तो प्लस एक दो तीन चार पाँच, इधर जाएंगे तो माइनस एक दो तीन चार पाँच, इधर जाएंगे तो माइनस एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो कोई पूछ देगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो बोलेंगे जीरो जीरो, और आपको हम नाइन्थ क्लास में ये अच्छे से पढ़ाए हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है।
ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? जीरो जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए इस भुज के लिए कोटि का मान जीरो होगा। अगर कोई भी बिंदु एक्स एक्सिस पर है, ना तो एक्स एक्सिस से ऊपर और न ही एक्स एक्सिस से नीचे, हम क्या बात कर रहे हैं, यदि कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर स्थित है तो उस स्थिति में कोटि का मान जीरो होगा। क्या होगा? क्योंकि जब यहाँ ये खड़ा है, इस बिंदु पर स्थित है, तो ये बिंदु से ना ऊपर है ना नीचे है, तो y का मान जीरो ही ना होगा। तो भुज के लिए कोटि जीरो होता है, तो कोटि के लिए भुज भी जीरो होता है। कोटि कहता है कि तू हमरा से बदला क्या किया है, हमरा यहाँ नहीं रहने दिया, यहाँ हमारा मान यहाँ शून्य किया है ना, तुम बेटा तुम भी मेरे पास आना, तुमको भी हम शून्य कर देंगे। तो जब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु स्थित हो तो वाई का मान जीरो होगा, यदि कोई वाई एक्सिस पर बिंदु स्थित होगा तो उस स्थिति में इसके लिए भुज का मान जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी यहाँ लिखेंगे हम, तो मान लीजिए ये एक यूनिट पर स्थित है तो एक और जीरो लिखाएगा। क्या लिखाएगा इसका निर्देशांक? इसका निर्देशांक क्या लिखाएगा? एक जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर स्थित है। अगर एक्स वाई दोनों पर स्थित होता तो कहीं ना कहीं इसका पॉइंट ऊपर या इसके बीच में होता, 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 है कि नहीं? लेकिन ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो बताइए ऊपर नीचे की चौड़ाई पता है इसको? नहीं ना, कि हम कितना इसको ऊपर है कितना इसको नीचे है, जब नहीं पता होगा तो यहाँ पर y का मान जीरो ले लेना है। क्या लेना है? और यदि यही काम, यदि कोई बिंदु y एक्सिस पर स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर होगा, एक यूनिट यहाँ है मान लीजिए इसका, और वह बिंदु यहाँ स्थित हो, तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले x तब, तो यहाँ हम कोटि पर लिख रहे हैं, कोटि के लिए लिख रहे हैं, तो कोटि के लिए भुज का मान क्या होता है? जीरो होता है। तो ये जीरो और कोटि का मान एक ही यूनिट है तो जीरो एक हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि यदि कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पर एक्स जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या होगा? एक्स जीरो होगा। अगर एक्स का मान दिया हुआ रहेगा तो वो मान रखेंगे हम, एक्स एक्सिस का कोई मान रहेगा तब ना मान रखेंगे। अगर आपको कह देता है कि कोई भी बिंदु एक्स एक्सिस के दूसरा यूनिट पर स्थित है, कोई बिंदु एक्स एक्सिस के दूसरा यूनिट पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का दूसरा यूनिट दो और वाई का मान यहाँ क्या होगा? जीरो दो। क्लियर है? उसी प्रकार यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दे कि यदि कोई बिंदु वाई एक्सिस पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि उसका निर्देशांक जीरो और वाई होगा, जीरो वाई, और वाई का मान जो दिया रहेगा वाई का मान यहाँ रखेंगे हम। दिक्कत है? अच्छा, क्वेश्चन बहुत घुमा के भी पूछता है, ये भी पूछ सकता है कि यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 0.5 है, जीरो, तो ये किस एक्सिस पर स्थित है, तो जब जीरो आपको दे दे, जीरो किस में देता है? वाई एक्सिस वाला पर ना, तो बोल दें कि वह वाई एक्सिस पर स्थित है। उसका स्थिति कहाँ है? तो मूल बिंदु से 5 यूनिट ऊपर, मूल बिंदु से 5 यूनिट ऊपर होगा, नहीं ना, इन होगा। अगर आपको यहाँ -5 दिया हुआ हो तो मूल बिंदु से कहाँ 5 यूनिट नीचे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 3.0 है, कितना है?
3-0 है तो यह किस एक्सिस पर स्थित होगा? तो यहाँ पर x का मान दिया हुआ है ना, तो बोलेंगे x एक्सिस पर स्थित है। तो मूल बिंदु से किस ओर स्थित है? तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ 3 यूनिट दूर है। अगर आपको इस सेंटीमीटर में पूछा रहे तो सेंटीमीटर में जवाब में देंगे। यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो 3 यूनिट दाहिने तरफ है, लेकिन यही -3 रहता तब 3 यूनिट बाएं तरफ बोल देंगे। क्लियर है? यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये दोनों। ये हो गया कोटि के भुज के लिए, ये हो गया कोटि के लिए। भुज के लिए y का मान 0, कोटि के लिए x का मान 0, एक दूसरे को उल्टा होता है, बस इतना याद रखिएगा आप। इसको क्लीन करें, चलिए इसको क्लीन करते हैं पहले। ये अभी क्लियर समझ में नहीं आया है ना, आप लोग का यही ना कि ये अभी अच्छा से समझ में नहीं। चलिए हम इस दोनों के द्वारा समझाते हैं आप लोग को। ये देख रहे हैं, ये आपका x एक्सिस का काम कर रहा है, और ये अगर लगा देते हम y एक्सिस का काम करेगा। तो इसको हम लोग भुज कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इसको कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस बिंदु, ये पूरा लाइन पर y का मान 0 हो जाएगा। पूरा लाइन पर y का मान क्या होगा? और ये पूरा पर क्या होगा? x का मान 0 हो जाएगा। इस पर x का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि x को हम इस ओर मापते हैं ऐसे, है ना, और ये गया है इस प्रकार से, ये इसका ऐसे ही ना मापेंगे हम। तो ये गया है इस प्रकार से, y को हम x को मापते हैं इस प्रकार से। तो बोलिए यहाँ पर x का मान 0 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये है x एक्सिस, तो x एक्सिस को हम नापते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, और ये मापात, ये जो y एक्सिस है ऐसे गया है 1, 2, 3, है ना। तो बताइए कि इस पर y का मान क्या होगा? 0। अब कोई बिंदु यहाँ पर खड़ा है, कोई यहाँ पर खड़ा है, बताइए यहाँ पे y का मान क्या होगा? हम बताए अभी कि ये पूरे पर y 0 है, ये पूरे पर y क्या है? 0 है। चाहे आप यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, कहीं भी आप ले लीजिए, y का मान हमेशा क्या मिलेगा? 0। अब कोई बिंदु यहाँ पे खड़ा है तो y का मान क्या होगा? 0 होगा ना, और x का मान यहाँ से कुछ ना कुछ तो दूरी पर होगा, तो x 0 बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो भुज के लिए कोटि का मान क्या हुआ? तो उसका निर्देशांक क्या होगा? x 0 होगा। क्या हो जाएगा? आ गया, क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है? अब बोलता है कि यहाँ पे यदि खड़ा है, इस बिंदु पर खड़ा है यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि ये वाला पूरा पर x 0 हो जाता है। ये पूरा पर क्या होता है? x 0 हो जाता है। तो जब यहाँ खड़ा रहेगा तो क्या पहले x वाला लिखना है? तो 0x 0y हो जाएगा ना, ये चूंकि x का मान 0 है तो 0y क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस पर x 0 और इस पर 0y। अब बोलिए, बोलो यहाँ पर कि सर पहले 0 यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो हम बताएं कि कोऑर्डिनेट जब भी लिखा था तो पहले x एक्सिस का लिखाता है तब y एक्सिस का। तो पहले x एक्सिस पर x का मान है यहाँ इसमें, तो x y का बाद में, तो y का मान इस पर 0 है, तो x 0। इस पर x का मान तो 0 है लेकिन y का मान कुछ ना कुछ है ना, तो 0y यहाँ लिखाएगा। क्लियर हो गया? अभी भी कोई डाउट है? आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको नियामक ज्यामिति इस प्रकार से मिलेगा, जिस बिंदु पर मिलता है उसको ओरिजिन पॉइंट, इसको 0 से स्टार्ट किया जाता है, फिर 1, 2, 3, 4 माइनस 1, 2, 3, 4 और +1, 2, 3, 4 होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि यदि किसी बिंदु का निर्देशांक -3 और 2 है तो वह किस पाद का निर्देशांक है? तो सबसे पहले याद रखिए, इसको हम लोग प्लस प्लस बोलते हैं, इसको प्रथम पाद, है ना, फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड इसको लिखते हैं, सेकेंड पाद,
ये हो गया थर्ड और हो गया फोर्थ, है ना। प्रथम पाद को प्लस प्लस, द्वितीय पाद को माइनस प्लस, तृतीय पाद को माइनस माइनस और चतुर्थ पाद को प्लस माइनस। बस इस बात को याद रखिएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पर बोला है कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक माइनस तीन दो है, तो किस पाद का वह बिंदु होगा, किस पाद में वह स्थिर स्थित होगा। तो देखिए पहले माइनस बाद में प्लस, तो पहले माइनस बाद में प्लस किस में आया है, तो बोल देंगे द्वितीय पाद का वो पॉइंट होगा। अगर आप तो देता है कि प्लस चार और माइनस दो होगा, तो पहले प्लस बाद में माइनस किस पाद में चलाएगा, वो चतुर्थ पाद में चले जाएगा। यदि आपसे बोलता है कि दोनों ही माइनस में हैं, ये किस पाद, तो यदि यहाँ पर आपसे पूछा कोई किसी बिंदु का निर्देशांक माइनस एक और माइनस दो हो, तो किस पाद का है, तृतीय पाद का है कि नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है किसी बिंदु का निर्देशांक माइनस दो और जीरो है, तो किस पाद पर स्थित होगा, ये किस पाद पर है, ये किसी पाद में स्थित नहीं होगा, ये एक्स एक्स यानी भुज पर स्थित है। किस पर स्थित है, किस पर है। और अगर यही आपको दो और जीरो माइनस दो रहता तब वाई एक्स कोटि पर स्थित होगा ना। इसका स्थिति हो गया भुज, इसका स्थिति हो गया कोटि हो गया। यहाँ पर किसी भी पाद में ये नहीं जाएगा ना, फर्स्ट में ना, सेकेंड में ना, फोर्थ में ना, फाइव में किसी में नहीं जाएगा, फोर्थ तक होता है ऐसे। ये भुज हो गया कोटि। अगर आपको बोलता किसी बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो है, ये किस पाद में स्थित है, अब तुम लोग दिमाग लगाएगा कि अरे सर बताए थे दोनों प्लस में हैं, तो दोनों प्लस में चल जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। बताइए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ये क्या, नहीं, ये दोनों में से किसी भी एक्सिस पर भी स्थित नहीं है। हाँ, दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्थित है। दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु किसे बोलते हैं, वह बिंदु जो दोनों में स्थित हो। उभयनिष्ठ किस चीज़ को बोलते हैं, आप नाइन्थ क्लास में अच्छा से पढ़ गए हैं, है ना, सर्वांगसम पढ़े हैं ना, उनमें उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ लिखाता था, किसको पढ़ते हैं, जो दोनों में स्थित होता था उसको उभयनिष्ठ बोलते थे। तो ये बिंदु इस एक्सिस का भी है और ये बिंदु इस एक्सिस का भी है, तो इसलिए उभयनिष्ठ बिंदु भी कहते हैं। तो ये हो गया मूल बिंदु का निर्देशांक है, किसी भी पाद का निर्देशांक नहीं है, मूल बिंदु का निर्देशांक है। क्लियर है, तो आपसे यही सारे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग को जो यहाँ पढ़ना है टेंथ क्लास में, वो पढ़ना है दूरी ज्ञात करने के लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे इसको ज्ञात करने के लिए पढ़ना है हम लोग को, है ना। उसके बाद फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब ज्ञात करने के लिए इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा वैसे वैसे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जब हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे तो दूरी सूत्र पढ़ना होगा। दूरी सूत्र क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात कहता है इसका सूत्र हम लोग को पढ़ना है। तो पहले इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आप लोग समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो बिंदु दिया हुआ रहेगा ए और बी, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये दोनों निर्देशांक के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखें ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, देखिए इसमें से इसको घटा देंगे या इसमें से इसको घटा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, यही इसका सूत्र है। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं
कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप एक में से दूसरा को घटाइएगा, मान लें कि इधर से घटाएं तो ये माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, जब उसका वर्ग है तो वो तो प्लस ही ना आना है। अगर कोई संख्या माइनस में ही आ जाता है, देखिए ध्यान से समझिए, तीन माइनस दो कीजिए और इसको यदि वर्ग करना है या दो माइनस तीन का वर्ग करना है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। देखिए घटाइए कितना बचेगा, इसको घटाइए माइनस वन, अब दोनों को वर्ग कीजिए तो इसका भी मान वन और इसका भी मान, अब ये तो ये वन था इसलिए सर। चलो दूसरा लेते हैं, पाँच माइनस तीन का वर्ग करना है या तीन माइनस पाँच का वर्ग करना है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। देखिए ये वर्ग करना है इसलिए हम बोल रहे हैं, अगर वर्ग नहीं करना होता तब यहाँ पर मान चेंज हो जाता, बदल जाता, तो वैसे स्थिति में ये काम नहीं करेगा, लेकिन वर्ग करना है इसलिए एक्स एक्स वन में से एक्स टू को भी घटा सकते हैं और वो एक्स टू में से एक्स वन को भी घटा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ देख लीजिए आप, पाँच में से तीन गया दो का वर्ग, और यहाँ तीन में से माइनस पाँच है तो माइनस दो का वर्ग, तो दो का वर्ग भी चार और माइनस दो का वर्ग भी कितना आया, दोनों का रिजल्ट सेम मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ आप ज़्यादा टेंशन में मत जी रहिएगा कि सर किताब में दिया है ये वाला बताते हैं ये वाला, या किताब में दिया है ये वाला बता रहे हैं ये वाला, तो आप दोनों लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम दोनों बता दिए आप लोग को। ठीक है, ये दूरी सूत्र ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से इसको घटाएं और इसमें से इसको घटा कर वर्ग करके दोनों को जोड़ देना है, बस इसमें से इसको घटा देना है और इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना दोनों को, और लास्ट में जोड़ कर जो उसका वर्गमूल आएगा वही दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा। ये हो गया क्या, सरल रेखा के लिए कोई दिक्कत है। अब है संरेख बिंदु भी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखिए इसमें आपको तीन केस मिलेगा, तीन केस में दो केस का मान दिया हुआ है, एक ही केस का मान निकालना है। जैसे मैं यहाँ पर दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा और इसका बीच की दूरी पूछेगा, तो इस तरह से निकालेंगे। यदि आपको किसी एक का निर्देशांक न दे करके बाकी का सब कुछ दिया हुआ रहेगा तो इसको इधर लाने का वर्क कर देंगे, ये अंडर रूट है ऐसे क्या बनेगा, इधर वर्क करके इसको फिर सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है। जैसे में दिया रहेगा, मान लो कि यहाँ पर ये रहेगा पाँच, ये रहेगा सात और ये रहेगा तीन, अब इसको ज्ञात करना है चूँकि इसका मान मालूम नहीं है, तो हम लोग कर सिंपली करेंगे क्या, जो जो मान दिया उस मान को रखेंगे यहाँ पे। अभी जो यहाँ अंडर रूट बन के तैयार है, हाँ इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, मान लिया जाएगी तेरह वर्ग यूनिट दिया हुआ है, तेरह यूनिट दिया हुआ है, सपोज ये तेरह यूनिट दिया हुआ दूरी, ये तेरह यूनिट डिस्टेंस है, हम इसका वैल्यू तेरह पुट करेंगे और ये सब का वैल्यू, इसका तो मान मालूम नहीं तो जस का तस रहेगा, बाकी सब का मान तो रखेंगे ना। और ये जो यहाँ वर्ग अंडर रूट बन के इधर खड़ा है, डायरेक्ट इस पर क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे, बाकी का सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बाकी इजीली सॉल्व होगा ना, फिर इसको बनाना है। हाँ अगर नहीं बनाना आएगा तो हम लोग आगे इसको बारे में पढ़ेंगे, जब इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम तो वहाँ अच्छे से बता देंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हुआ एक सरल रेखा के लिए। अब है कि एक सरल रेखा पर तीन बिंदु होंगे तब कैसे निकलेगा, वह बिंदु संरेख होगा कि असंरेख होगा, इसका पहचान करना है। तो पहचान करने का तरीका क्या है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन बिंदु लिया गया है, P, Q और R, और आप ये भी देख रहे हैं कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, एक सरल रेखा पर है ना। ठीक है, ये सरल तो है नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा है, हम स्केल लगा के नहीं खींचे हैं, आप लोग स्केल लगा खींचेगा तो सीधा खींचाएगा वो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों बिंदु को हम लोग संरेख बिंदु बोलेंगे, कब, जब ये एक सरल रेखाखंड होगा, और
अगर यहाँ पर इसकी बात कही जाए, ये तीनों बिंदु है ए बी और सी, क्या ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा खंड पर स्थित हो सकता है? क्या ये संरेख बिंदु है, एक रैखिक बिंदु है? एक रैखिक मतलब एक ही रेखा पर स्थित, खिंचित एक रेखा आएगा कभी क्या? यहाँ यहाँ आएगा, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, तो बिल्कुल एक रेखा पर स्थित, तो इसको असंरेख कहते हैं और इसको संरेख कहते हैं। ये तो लाइन खींच के दिया इसलिए हम समझ गए, ये लाइन खींच कर दिया हम समझ गए कि संरेख है। अब खाली बिंदु का निर्देशांक देगा और पूछेगा हमसे कि बताइए कि ये संरेख है कि असंरेख। तो देखिए संरेख में होता क्या बता दे रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं आप जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से अंत तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यानी पी आर, पी आर ये दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए, पी क्यू प्लस की वार के जोड़ के बराबर होना चाहिए, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसका वर्ग दोनों को वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। पी क्यू का वर्ग, पी आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग और पी क्यू का वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए, तब बोलेंगे ये संरेख है और नहीं तो बोलेंगे संरेख नहीं है। नहीं तो क्या बोल देंगे, संरेख नहीं है, असंरेख होगा। जैसे अगर यहाँ पर हम निकालते हैं सभी का मान और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, छोड़िए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे कि यह संरेख बिंदु है क्या है, और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो बोलेंगे संरेख बिंदु है। बस इतना तो फर्क है, संरेख में इसका दूरी दोनों को दूरी के बीच के ये दोनों के दूरी के योगफल के बराबर होता है, असंरेख में बराबर नहीं होगा, बस इतना सा बात है। तो क्या करेंगे, अगर पॉइंट दिया रहेगा तो हम लोग सबका पॉइंट का क्या करेंगे, तीन गो दूरी निकालना होगा इसमें, एक यहाँ से यहाँ तक के, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, तीन हम लोग अलग अलग दूरी निकालेंगे। अब जो सबसे ज़्यादा लंबा दूरी होगा, सबसे ज़्यादा ज़्यादा मान आएगा, उसका मान बाकी शेष दोनों को योगफल के बराबर होना चाहिए, तो हम दोनों को जोड़ के देखें तो दोनों को जोड़ के बराबर आ रहा है कि, अगर बराबर आता है तो संरेख, बराबर नहीं आता तो असंरेख। क्लियर है? एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लेवल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, संरेख बिंदु का क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए बाबू क्षेत्रफल कब होगा, जब ये कुछ ना कुछ ऊपर दूरी लेगा तब ना। बोलिए सरल रेखा का कोई क्षेत्रफल होता है? सरल रेखा का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। तो उसी प्रकार ये एक सरल रेखा ना है तो सरल रेखा का क्षेत्रफल शून्य होता है, कितना होता है? तो कोई पूछ देगा संरेख बिंदु द्वारा बना हुआ आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बोलेंगे शून्य वर्ग मीटर या शून्य यूनिट, क्या बोलेंगे? क्लियर है? बस शून्य बोल देना है। किसके द्वारा रहेगा? तो संरेख का रहेगा। अब तीनों बिंदु संरेख, इसको दिखाने के लिए क्या करना होगा, तीनों का डिस्टेंस निकालना होगा अलग अलग, और बड़ा वाला का मान शेष दोनों को योगफल के बराबर होना चाहिए, वर्गों का योगफल बराबर होना चाहिए ना, वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे हम, संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं, सॉरी वर्गों का नहीं होता है, ये दोनों को जोड़ के वो योगफल के बराबर होता है ना। आगे हम लोग देखेंगे, अब किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना होगा, तब मान लिया जाए कि यहाँ पर जीरो जीरो निर्देशांक है, इसका मूल बिंदु ओ है, क्या है, यहाँ पर पी है, इसका है दो और तीन, या एक्स वाई है, क्या है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को ओ पी क्या दूरी ज्ञात करना, तो लिखेंगे ओ पी बराबर डायरेक्ट अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा एक्स ही ना बचेगा, एक्स ही ना बचेगा जी, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा फिर। अच्छा इसमें से इसको घटाइए तो वाई ही ना बचेगा, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम करेंगे क्या, अगर मूल्य बिंदु से पूछेगा तो दोनों को वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल के आंसर बोल देंगे। ये मूल्य बिंदु के लिए सूत्र है, किसके लिए सूत्र है, और अगर ये मध्य बिंदु होगा तब, तो मध्य बिंदु के लिए आगे हम पढ़ाएंगे इसको, रेशियो जब बांटते ना आप लोग पढ़िएगा मध्य बिंदु के लिए किस में, कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है इसको, इतना इतना अनुपात में बांट दिए इसका वैल्यू क्या, या इसी में आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर है मध्य बिंदु और इसको एक अनुपात एक में बांटे या दो अनुपात तीन में बांटे, कोई भी कहीं पे बिंदु है तो कहीं ना किसी न किसी अनुपात में बढ़ेगा ना, तब कैसे निकालेंगे इसका मान, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे, और बाकी जैसे जैसे भी हमारा लेसन आएगा वैसे वैसे उसका कॉन्सेप्ट आप लोग को देते जाएंगे हम, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।